उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ग्राम भर्रऊ की एक महिला ने अपनी पुत्री की मृत्यु का कारण टिटनेस का टीका न लग पाना बताया है। आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्ची थी जो खत्म हो गई, 4 दिन में हो गई थी क्योंकि उन्हें टीका नहीं लगवाया। जहां सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य संबंधी कई योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाने या जच्चा बच्चा कार्ड बनवाने पर 100 से लेकर 200 रुपया यहाँ की ANM झटक रही हैं। कितनी महिलाएं गर्भवती हैं आपके यहाँ? 7। सभी के कार्ड बने हुए हैं? हाँ। कार्ड बनाने का पैसा लेती हैं या फ्री में बनाती हैं? पैसे लेती हैं। कितने पैसे? कोई से 50, कोई से 100। ग्राम भर्रऊ में 9 महिलाएं गर्भवती हैं, लेकिन आज तक किसी भी महिला का जच्चा बच्चा कार्ड नहीं बना है, ना ही स्वास्थ्य संबंधी कोई भी उनका परीक्षण हुआ है। अभी तक उनको कोई टीका लगा है? नहीं, अभी तो नहीं लगा है भाई साहब। और वो गर्भवती जो कार्ड बनता है वो कार्ड बना है? नहीं, वो कार्ड भी नहीं बना है अभी। तो बहन जी आती हैं यहाँ पे? आती हैं कभी कभी, आती हैं कभी कभी, महीना में एक दो बार, एक ही बार नहीं आती, कभी कभी तो दो दो महीना, तीन तीन महीना नहीं आती हैं। बजर्रा में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 5 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज तक उस स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला। आप जब ट्रेनिंग में जाती हैं तो आपको ये बताया जाता है कि सारी दवाएं फ्री में मिलती हैं और किराया वगैरह सब सरकार दे रही है? हाँ, फ्री में तो बता ही जाता। तो आप बहन जी से इस बात को नहीं कहती कि ये सब तो आपको सरकार से फ्री मिलता है? बोली है सो कह रही कि ऐसा कौन सा बोल नहीं है विभाग के जो खा नहीं रहो। और आपको इंजेक्शन लगाए गए थे, सुइयां वगैरह? जी, लेकिन लगाते हैं जैसे नियम से लगाते, वैसे नहीं लगाते। मैं चाहता हूं कि इन ग्रामीण महिलाओं का सही समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हो और सही समय पर टीके लगें और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। मैं शंकरलाल रैकवार, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट से।